कोट पैंट का रोला तो है बेटे। कोट पैंट में जो शादी ब्याह में जाता है ना, लोंडिया भी 3-4 पटाखे लाता। अबे यार फिर तो मजा आ जाएगा, आओ फिर। देख बे देख, खाना खाएंगे बाद में, पहले लोंडियों की तरफ को चलना है। क्यों बे हाथी के कुरेंट, शर्म ना आ रही तुझे? 40 में की फातियों में आया कोट पैंट पहन के, और टोपी कहाँ तेरी? जल्दबाजी में भूल गया यार मलानी। जल्दबाजी में कोट पैंट पहन देना भूला तू? चलो पकड़ो टोपी और चलो दोनों बैठो फातियों में। फातियों में ना बैठूंगा मैं, नहाया हुआ ना हूं। तुम्हारे साले यही तो ड्रामे है, फातियों के टाइम पर नहाया हुआ ना हूं, वैसे कोट पैंट पहन के घूम रहा हूं। तेरे सूरत से मुझे पता लग रहा है नहाया हुआ, तो चल बैठ फातियों में को। ए यार बाबू भाई, झूठ क्यों बोल रहा हो? नहा के तो आए हैं दोनों, अब जब आए गए तो थोड़ी देर बैठ लें, खाना खा के चल देंगे। हाँ यार खाना तो खा ही लेंगे। कितनी देर में शुरू हुए? मौलाना आते होंगे, फिर उनके आती फाती चालू जाएंगी। फाती है नहीं, खाने को पूछ रही हूँ। यार यार सबर कर ले, मैं कह रही हूँ कॉफी का भी तो इंतजाम होगा। ओ तेरी अम्मा की बारात चढ़ रही है यहाँ, जो कॉफी बसाते चाउमीन सब होंगी यहाँ। शर्म कर ले शर्म, 40 माह है। बाबू भाई जाए लो कौन हो? अबे 40 माह चल लिया, 40 में मैं कॉफी कौन रखता? हाँ बस रसगुल्ले होंगे सुन्नत अदा करने के लिए। यार रसगुल्ले मुझे अच्छे नहीं लगते, इमरती को कहूँगा मैं तो इनसे, मुझे इमरती लगा दो। मैं कह रही हूँ बोटी साफ मत दियो, हड्डे वाली दियो, मींग की जरूरत है यार जरा। चल बे चल बोटी ना है। अबे चेक तो करो यार, कैसा ना होगी बोटी? अबे देख ले बाल्टी में ना है बोटी। अब तो लेके आओ, देख में से निकाल के लाओ यार, चाहिए मुझे हर हाल में, लेके आओ। अबे 40 में आया तू, थोड़ी बहुत शर्म तो कर ले, जाहिल है बिल्कुल तू, जाहिल है तो बता भी लेगा। हाँ जाहिल तो हूँ। अब कैसे दो कोड़ी के मेहमान आए तुम्हारे यहाँ, बिल्कुल जाहिल साले, बोटी मांग रहे हैं। बोटी मांग रहे हैं? कौन मांग रहा है, आइए दिखाइए जरा। आएंगे दोनों फिर आ गए वे। तुम्हें चैन नहीं है बिल्कुल भी, ना शर्म है बिल्कुल भी, पूरे कुत्ते हो, जानवर हो, खाने खराब हो, भीख मांगनी स्टार्ट कर दो रोड पे, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही भाई। इतनी नालता दे रहा हूँ फिर भी यहीं बैठे हो, उठ के ना जा रही तुमसे। चल दे यहाँ बुआ चावल दे, ला तू भी दे। अच्छा निकल साले, कोट पैंट पहन के आए। बाबू भाई आज तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। तो टेंशन क्यों ले रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अखबार पढ़ लो, यहाँ बैठ के कुछ होश है ना तुम्हें? अरे क्या बात हो गई बड़े भाई, बैठो पहले, बैठ के बात बताओ। बात ही क्या होगी, वो आएंगे तो तुम्हारे घर में दो शैतान के बाप, पहला कफन उड़ाइए अम्मा का, कैसी देख पलटिए उड़ दोगी, कैसे जाहिल है तुम्हारे भतीजे, उनसे बड़े जाहिल तो मुझे तुम लग रहे हो। समझाई नहीं जा रही तुम्हें बिल्कुल भी उन्हें, इज्जत करता हूँ मैं तुम्हारी थोड़ी सारी, वरना तो तुम्हारे भतीजे भी पिटेंगे और तुम भी पिटोगे साथ में। बड़ी मुश्किलों में तो अम्मा हमारी मरी, न साले दफन होने दे रहे ना 40 में होने दे रहे। अबे यार इन्होंने फिर नाटक खड़ा कर दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आय की होती फिरेगी बात बाद में, ये जो नुकसान कर गए 8,000 रुपए की पूरी देख पलटी है, उसके पैसे दो पहले। 8,000 रुपए की देख? अबे भैया कौन सी देख बनवाई थी? हमारे यहाँ ऐसे होते हैं फंक्शन, बराबर का कोट डलवा में, लाओ दो पैसे जल्दी। अब कैसी कोई गलती कर दी ना उन्होंने तो बहुत ही मारूंगा। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। फूफा पूछेंगे तो क्या जवाब देगा? अरे ऐसे बन जाएंगे जैसे हमने कुछ करा ही ना है, उसमें क्या है। क्या हुआ फूफा, बड़े गुस्से में खड़े हो, पैंट मांग लिया कैसे? ना चुप, गया कहाँ था ये बता। हम तो कहीं भी ना गए फूफा, हम तो घर पे ही हैं सुबह से। आज तो हम यहीं हैं, कहीं जाने का मन ही ना हुआ हमारा, झूठ बुलवाऊं अभी? ना पापा यकीन मानो यार, कहीं नहीं गए, बस घर के बाहर तो खड़े हुए थे कुछ देर के लिए, फिर वापस यहीं आ गए। अच्छा तो घर के बाहर खड़े थे तुम्हें, जिसका कफन उड़ाया था उसके घर ना गए हो 40 में कोट पैंट पहन के? अच्छा वो उसके घर तो गए थे पापा, हम बाहर ही तो बैठे, वो आया और खींच के ले गया हमें कि चलो चलो। मैंने कहा कहाँ चलो, ये बोला चलो देखते हैं कहाँ लेके जा रही है। हम पहुंच गए तो साला दावत में को ले गया, बाद में पता चली 40 में की फांतियां, इतनी देर में तो खाना खिलवा दिया उन्होंने हमें, बस ये बात थी। अबे सालो झूठ पे झूठ बोल रहे हो कुत्तो, तुम उसके घर खाने की देखना पलटिया है, वो तो मेरी इज्जत करता है जो मुझसे कुछ कही ना, कोई और होता तो मुझ पर रैपटे फेर के जाता। तुमसे अच्छा तो मेरा लौंडा है, कम से कम उनने मेरी बेइज्जती तो ना कराई। तुम क्या घूमने आयो या मेरी बेइज्जती कराने आयो? फूफा गलती हो गई फूफा, ये बहुत बड़ी, मुझे माफ कर दो फूफा, मुझे ना पता थी आपके दिल को इतनी ठेस पहुंचेगी, ये मुझसे अनजाने में गलत काम हो गया फूफा। बाकी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ फूफा, आपका दिल तोड़ लेगा, मुझे कोई वो नहीं है कि मैं जानबूझ के चाह रही हूँ, मुझसे धोखे में हुआ। बाकी ये मेरा चप्पल आएगा, ये मेरी घाड़ आएगी, लो फेल लो। अबे चल जा,
अंदर को जा यहाँ से। ए यार कुछ ज्यादा ही डांट दिया। अच्छा सोन जी फूफा जी, कोई बात दिल पे मत ले, ले कुछ पैसे रख ले। ना फूफा जी पैसा ना चाहिए, रहने दो। अबे ले 100 रुपए रख ले, कुछ खा लिए। 100 रुपए में क्या लोड़ा खाऊंगा, 500 तो दो कम से कम। ले 500 ही ले ले। यार बाबू भाई कब तक चलेगा ऐसा? देखो हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास। कितने दिन से हम अपने फूफा के घर में रह रहे हैं, अगर इन्होंने हमें धक्का दे दिया तो क्या होगा हमारा? यही बात कई दिन से मैं सोच रही हूँ यार, टेंशन में हूँ इस बात को लेकर के। पैसे वैसे भी फूफा के ही खा रहे हैं हम, हमारे बाप तो हमें कुछ देंगे ना। कुछ सोचो जिससे कि अपने दोनों का रुतबा हो और एक ठिकाना तो बनी जाए हमारा। अब वक्त आ गया अपने पैरों पे खड़े होने का। एक काम करते हैं यार, शादी कर लेते हैं दोनों जने। साला 8-8 लाख रुपए दहेज में मांग लेंगे, पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। और रही बात रहने की, ससुराल में ही रह करेंगे दोनों जने अपनी अपनी। मरे अभी भीख पे ही तुम यार, ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लें। अबे तू पागल है कौन है, काम धंधा करने की उम्र है अपनी अभी? हर कोई कह देगा नाबालिग होकर काम कर रहा हो, शर्म ना आ रही? पुलिस वुलिस भी ले जा सके किसी भी दिन उठा के। ओहो काम धंधे की उम्र ना है तुम्हारी और शादी करने भाग रहा हो? कोई लड़की वाला तुमसे ये ना पूछेगा लड़का कमाता क्या है, झूठ बोलोगे उससे? किसी की लड़की की जिंदगी खराब करोगे? तुम करके दिखाओ शादी, मैं उसे सब सच बता दूंगा। तू सच बता बेटे, उन्हीं लड़की वालों के सामने तेरी गांड पे लगा के तेल और धे पेलम पेल और धे पेलम पेल, भूल जाओ छोटा भैया तू। अरे हाँ तुम शादी करो यार अपनी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं कुछ कहूँ? मैं करूँ तैयारी शादी की, तू ना करेगा क्या? अरे नहीं यार मैं नहीं करूंगा शादी। क्यों, तू शादी क्यों ना करेगा भाई? अरे बस है एक बात। है कोई बात? कोई लड़की फड़की का चक्कर तो ना है कि अपनी पसंद से चारिया शादी करना? ए यारो बाबू भाई कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी ना जैसा तुम समझ रहे हो। घबरा मैं मत, मैं तेरा बड़ा भाई बाद में हूँ, पहले पक्का दोस्त भी हूँ, बिल्कुल निडर होकर बता। नहीं बाबू भाई ऐसी कोई बात ना है यार। फिर कह रही हूँ तुझसे, अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दे, मैं खुद शादी कराऊंगा तेरी। हाँ एक भाभी है तो तुम्हारी। पकड़ा गया भूतनी के, रातों को खुसर पुसर बातें कर रही, सुबह को उठ के गुसल मार रही। यारो बाबू भाई वो तो गुसल करना ही पड़ेगा ना, रात को लीकेज हो जा तो। तेरे बड़े लीकेज हो रहे हैं दांत के मरीज। तुमने तो यार दोस्ती का वादा करा था मुझसे। ऐसी दोस्ती फलान पे रखता हूँ, पिघल दिया है कुत्ते भाई ना, पिघल दिया है लंडिया बाजी। देखो इन दोनों के तो यहाँ आ रहे हैं मजे, ऊपर से इनका बाप और आ गया, वो और पूरा दिन सोता रहता। पूरे दिन ना सोते हैं, बहुत बड़े नवाब हैं, दोपहर को उठते हैं खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं, फिर रात को उठते हैं खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं। देखो पापा मेरी बात सुनो, तुम इज्जत के पीछे भाग रहे हो, वो इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। तुम एक काम करो इन्हें भगा दो। बेटे ऐसे नहीं भगाया जाता है, रिश्तेदारी भी कुछ चीज होती है। अगर मैं उन्हें ऐसे भगा दूंगा कल को तेरी शादी होगी, उनसे बात भी तो लेना है शादी में। अब मैं एक काम करता हूँ। क्या पापा? बहुत इनसे लाड़ प्यार दिखा दिया, अब मैं इनसे मुंह बिगाड़ना शुरू करता हूँ। जब इन्हें दिखेगा ना कि फूफा मुंह बिगाड़ना है, अपने आप भाग जाएंगे घर को। ठीक कह रहे हो पापा तुम ही। हाँ अब यही करते हैं, चल लिया। हाँ भाई आज शाम को क्या बना रही हो? फूफा जी मैं कह रही हूँ स्विमिंग पूल किधर से चलेगा, चल भैया जरा आज नहाने का मूड है अपना। मैं चल वे, कोई स्विमिंग पूल विमिंग पूल नहीं, चल लिया। देखा मना कर दी ना फूफा ने, अबे जितना मुझसे प्यार करते हैं इतना तुझसे प्यार नहीं करते हैं। अब देख फूफा स्विमिंग पूल चलवाओ जरा, मेरा मन कर रहा है नहाने का। हट साले का चूमर, चल यहाँ से, कोई स्विमिंग पूल नहीं, चल लिया, चल अंदर को निकल। फूफा जी क्या है बे, चलवा दो यार स्विमिंग पूल यार, चला लूं बताओ? तुझसे मना कर दिया आवाज नहीं आई, चल निकल अंदर को।